जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर पूरे देश में कांग्रेस माहौल बना रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ मुद्दों पर अलग राय रख रहे हैं। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय क्या कह रहे हैं। चुनाव में आपने आगे बढ़ करके बड़े भाई का फर्ज निभाया, उत्तराखंड में आपके विरोध में खड़े हो गए। अभी तक सपा की ओर से अजय राय साहब से या आप कांग्रेस कमेटी से, भले ही वो नेशनल स्तर पर जो बातें हुई, कोई बातचीत का दौर या किसी भी प्रकार से कोई कार्यक्रम कोई लेकर नहीं है। क्या अभी भी अखिलेश यादव आप मतलब प्रदेश स्तर से दूरी बनाए रखे हैं, या वो अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं ये आने वाले समय के लिए खराब मैसेज हो रहा है क्या? अब देखिए, ऐसा है, जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया। अब उन्होंने क्या किया वो मैंने बता दिया था कि उनको जरूर आगे करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे, हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था, वीडियो आ गया था। उसके दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सभी दलों से समर्थन मंगा था। हमारा एक दिन पहले इनको समर्थन हमने दिल बढ़ा करके दे दिया था, उनको भी बड़ा दिल दिखाकर बागेश्वर हमारे साथ। और जब एक बार चीज़ें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार, अन्याय, कानून व्यवस्था की अपने बात कही ना भी, आप ये भी देख रहे हैं घटना ये घटी मिर्जापुर की, कल कौसाम्बी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, बाप, दामाद, बेटी सबकी हत्या कर दी गई। ये क्या हो रहा है? उसके पहले आप देखें केशव मौर्या जी का बेटा जमीन कब्जा कर रहा है, वहीं पर आपने देखा, मैं गया था, गरीब आदमी रो रहा है, वहाँ पर जमीन कब्जा किया जा रहा है। अभी आप वकीलों को लाठियों से मारा जा रहा है, फिर कल लखनऊ में फिर लाठियों से कल मारा गया वकीलों को। और हापुड़ की घटना देख रहे हैं कि लगातार पूरा प्रदेश सड़क पर उतरकर वकील समाज, जो कानून के लिए रक्षक है, कानून की रक्षा करता है, उसको लाठियों से मारकर उसे जो है बेहाल कर दिया गया, उसको जो है उसके हाथ पर तोड़ दिए गए। उसके बाद भी सरकार के कान पर जो है जू नहीं रेंग रहा है। ये केवल और केवल अत्याचार, अन्याय, अब ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका जवाब देगी। एक चीज़ जो मैसेज आ रहा है खुल के सामने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा है, उस रीजन से सब वो चाह रही कि अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सपा के साथ मजबूरी है जाना, और वो बार्गेनिंग टाइप का चल रहा है कि सपा चाह रही कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, एक बार्गेनिंग चलिए, लेकिन आप मजबूर हैं। कांग्रेस का जनाधार ये दिख रहा है ना, कांग्रेस का जनाधार आप देखते रहिए, हम मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे 24 में। क्या अजय राय उत्तर प्रदेश में बनारस चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये पार्टी को तय करना है, पार्टी ने मुझे बनाया प्रदेश अध्यक्ष, मैं काम कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वाह करूंगा। आपने एक बयान दिया था, क्या कहेंगे? केशव मौर्या के बोलने, जो आप देखिए इतने हल्के आदमी, जो आदमी इस तरीके की बात बोल रहे हैं, और आप देखिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किए, उस भाषा एक डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देती।